हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ एमी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी जो सर्दियों में सबसे फेमस है, बथुए की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी बथुए कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो देखिए, ये मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा मेजरमेंट बताती हूँ। तो ऐसे मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, अब मैं इसे चॉप करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे बारीक बारीक चॉप करूँगी। ये हमें आटे में मिलाने के लिए इसे ज़्यादा बारीक करना पड़ेगा। इसे हम अच्छे से वॉश करके अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसके लिए जो हमें डो लगाना है, उसके लिए हमने लिए है थोड़ा सा आटा अपने अकॉर्डिंग, जितना आपके घर पे लोग हों उसकी उसके अकॉर्डिंग, और चॉप की हुई बथुआ और थोड़ा सा सूजी। सूजी हम क्रिस्प करने के लिए लेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं भी ले सकते हैं। और मसाले अब डाल के मैं आपको दिखाऊंगी सर। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। सूजी डाल देंगे, इससे हमें क्रिस्प हो जाए। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रही है इसलिए मैंने इसको बचा लिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, हमारे डो लग के तैयार हो गया है। इसे हम टाइट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए यूं ही रख देंगे ढक के। और फिर हम आलू की सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने लिया है 2 बॉयल आलू, 1 टमाटो, हरी मटर जो आजकल सर्दियों वाली, और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक, छोटा स्मॉल साइज अनियन, और ये लाल मिर्च, जीरा, हींग, थोड़ी सी हल्दी, सूखी धनिया, नमक। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हम आलू की सब्ज़ी रेडी करेंगे। सिंपल ऑयल हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे जीरा। अब डाल देंगे प्याज, लहसुन, सारा मसाला डाल देते हैं। आप चाहें तो ये देखिए हमारा टमाटर हो चुका है, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज में हम डाल देंगे पोटैटो। पोटैटो को हमें मैश नहीं करना ज़्यादा, ऐसा ही डालना है खड़ा खड़ा सा। हैंड से ही कर सकते हो आप, इसे ज़्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है, मैं काटने की जरूरत है। पानी डाल दिया है और इसे अब थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। मैं ये 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं यहाँ पे। आप चाहें क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। और प्लीज़ मेरी कढ़ाई पे मत जाइए, बहुत पुरानी कढ़ाई है तो लोहे की। एक्चुअली मेरी मेड भी आती है, वो भी साफ़ नहीं कर पाती है, वो हो ही जाती है ऐसी, तो प्लीज़ इग्नोर। फ्रेंड्स, कचौड़ी बन के तैयार है, डिलीशियस। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई है। आप लोग भी खाइए, इंजॉय करिए और फैमिली खाइए।